नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे सामाजिक विज्ञान में प्रकरण 3 में भारतनो सांस्कृतिक वारसो शिल्प अने स्थापत्य विषय भाग 6 में आज अभ्यास करशुं, के जेमां विविध मुद्दाओ छे स्थापत्यना, एना विषे आज चर्चा करशुं। एना पहेला आपणे थोड़ोक रिविजन करीए के भाग 5 में आपणे भारतना जे स्थापत्यो हता तेमां आपणे गोपुरम नी वात करी हती, तेनी आपणे विस्तृत माहिती मेळी हती। एना सिवाय पण आपणे जैन मंदिरो एटले के देरासरो विशे चर्चा करी हती अने मोढेरानो सूर्य मंदिर तेनी पण माहिती आपणे मेळवी हती। आजे आपणे वात करीए छीए के भाग 6 मां मध्यमकालीन स्थापत्य। मध्यमकालीन स्थापत्यमां भारतमां जे ते समय मध्ययुग हतुं, के ज्यारे कहेवाय छे के भारत में दिल्ली सल्तनत के मुगल समयनो समयगाळो हतो, एने आपणे मध्यमकालीन स्थाप समय तरीके ओळखी शकीए छीए। जे ते समय भारत में विविध स्थळे केवा जे मस्जिदो मीनाराओ जे बनावामां आव्या तेनी वात आमां करवामां आवी छे। मध्ययुगमां मस्जिदो, मीनारा, शाही महेलो, पुलो, तळावो, सराय एटले के धर्मशाळा स्थापत्यो आवेला छे। कुतुबुद्दीन ऐबके दिल्ली में कुतुब मीनार अने कुवत उल इस्लाम नामनी प्रसिद्ध मस्जिद छे ए बंधावी हती। कोणे बंधावी हती? कुतुबुद्दीन ऐबके। कुतुब मीनार पण तेनुं ते बनाव्युं हतुं अने कुवत उल इस्लाम छे ए मस्जिद पण ते निर्माण करावी हतुं। तेमज कुतुबुद्दीन ऐबके ढाई दिन का झोपड़ा नामनी मस्जिद छे अजमेर में ए पण बंधावी हती। आगळ वात करीए के बंगाळमां जे स्थापत्य छे तेना विशे, तो बंगाळ प्रांतमां पंडुआ नामना स्थळ पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाहनो मकबरो अने तातीपाड़ानी मस्जिदनुं निर्माण थयेलुं। स्थापत्य क्षेत्रे आ प्रांते अलग शैली विकसावी हती। आगळ वात करीए जौनपुर, तो जौनपुरमां तुर्की सुल्तानोए अटाला मस्जिद बनावी हती। कोणे अटाला मस्जिद बनावी? जे तुर्की सुल्तानो हता ते अटाला मस्जिदनुं निर्माण कर्युं हतुं। तेना गुंबजनी आसपास सुंदर कलात्मक झाड़ी छे। तेनी दीवालो अने छत कमळ सहित विविध भारतीय आकृतिमां निर्माण करवामां आव्युं छे। आगळ वात करीए माळवा। सुल्तानोना रक्षणमां माडुनी इमारतोनो विशेष शैली जोवा मळे छे तथा त्यां अनेक मकबराओनुं निर्माण थयेलुं छे। आ इमारतोमां विशाळ अने प्रभावशाळी गुंबजो अने बारीओ खूब ज नक्शीकाम छे। तेमाय होशंगा शाहनो मकबरो तो संपूर्ण आरसथी सुशोभित भारतीय शैलीनो छे। के माळवा प्रदेशमां जे सुल्तानोना रक्षण माटे जे माडुओ इमारत हती तेनी शैलीमां निर्माण करवामां आव्युं हतुं, अने एना सिवाय जे ते समयना सुल्तानो हता एना मकबराओनो पण सर्जन करवामां आव्युं हतुं। अने जे पण एना मकबरा हता, बराबर छे, आपणे उदाहरण लीधो छे के होशंगा शाहनो मकबरो छे ए संपूर्ण आरस पहाणथी એ બનાવવામાં આવ્યું હતું। અન્ય પ્રાંતોની વાત કરીએ આપણે તો કાશ્મીર, જે આપણે કંગુર બુરજ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ, કે કાશ્મીરમાં બહમની સુલતાનોએ બીડર, ગુલબર્ગા અનેક ઇમારતો અને મહમ્મદ ગાવાની મદરેસા, બીજાપુરનો ગોળગુંબજ તેમજ વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપત્યકલામાં હમ્પીનું વિઠ્ઠલસ્વામી હજારા મંદિર તેમજ ગોપુરમ તથા નક્શીકલાનો યુક્ત સ્તંભો પ્રસિદ્ધ છે। કે ભારતના આ પ્રાંતો છે, અન્ય એવા જે પ્રાંતો છે તેનું પણ આ મધ્યમકાલીન સમયમાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું। આગળ વાત કરીએ કે ગુજરાતની સ્થાપત્યકલા। આપણે ભારતની તો સ્થાપત્યકલા વિશે વાત કરી, એમાં પણ આપણે મધ્યમકાલીન સમયની સ્થાપત્યકલા વિશે વાત કરી, હવે આપણે વાત કરીએ આપણા ગુજરાતની। એ ગુજરાતની સ્થાપત્યકલામાં શું શું નવું નવું સર્જન આપણે જાણી શકીએ છીએ એના વિશે વાત કરીએ છીએ। તો ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના શિલ્પ અને સ્થાપત્યકલામાં વિવિધ ધર્મના મંદિરો, મસ્જિદો, બૌદ્ધ ધર્મના વિહારો, મઠો, સ્તૂપો, ચૈત્યો, ગુફા મંદિર, જૈન ધર્મના દેરાસરોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। સમાજને ઉપયોગી બાંધકામો જેવા કે રાજમહેલો, કિલ્લાઓ, છતરડીઓ, દરવાજાઓ, કીર્તિ તોરણ,
धर्मशालाओं, उपाश्रय विश्रामाओं, चबूतराओं, झरूखाओं, घुमटों, तोरणों, कुवाओं, वाव, सरोवर, तड़ाव, पशु प्राणियों ने आबेहूब आकृतियों सर्वांग सुंदर अने अति भव्य गणाय छे। एवी गुजरात स्थापत्यकला में आ बधी बाबतों समावेश करवामां आवे छे। अपने बात करी चित्र में जोई शकीए छीए के कीर्ति तोरण बराबर के वडनगर में आवेलो कीर्ति तोरण छे ए पण आपणे गुजरातनो स्थापत्यनो सारामां सारो नमूना तरीके आपणे एने ओळखी शकीए छीए। आगळ वात करीए के गुजरातना जे स्थापत्यो छे एना विशे, तो प्रथम छे मंदिरो विशे वात करी, तो मंदिरोमां आपणे वात करीए तो धार्मिक क्षेत्रे गुजरातमां विविध धर्मना मंदिरो रचना थई छे। के आपणे जाणी शकीए छीए कि भारतमां विविध धर्मना लोको रहे छे, तो गुजरातमां पण विविध धर्मना लोको रहेता होय छे अने धार्मिक क्षेत्रे गुजरातमां धर्मना मंदिरो आपणे विविध रीते जोई शकीए छीए। अलग अलग धर्मना मंदिरो आपणे जोई शकीए छीए, जेवा के भद्रकाळीनो मंदिर, गीता मंदिर जे अमदावादमां आवेलुं छे, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जे जमालपुर अमदावादमां छे, रणछोड़राजनुं मंदिर जे डाकोरमां छे, सूर्य मंदिर जे मोढेरामां छे, हाटकेश्वर महादेव मंदिर के जे वडनगरमां छे, अंबाजी मंदिर बराबर बनासकाठामां छे, शामळाजी मंदिर अरवली जिल्लामां छे, जगत मंदिर द्वारकामां छे, बहुचराजी मंदिर, महाकालीनुं मंदिर, आ जे मंदिरो छे स्वामीनारायणनुं मंदिर, બ્રહ્માજીનું મંદિર, ખોડિયાર માતાનું મંદિર, આશાપુરા માતાનો મઠ જે આપણા કચ્છમાં છે તે એ બધા મંદિરો છે એ સ્થાપત્ય ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલામાં આ મંદિરોનો સમાસ કરવામાં આવે છે। આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે સોમનાથનું મંદિર છે એ પણ ભારતના સ્થાપત્યમાં આ તમામ મંદિરોની ગણનામાં સારામાં સારા નમૂના તરીકે આપણે એને જાણી શકીએ છીએ। આગળ વાત કરીએ મસ્જિદો, तो अमदावादमां त्रण दरवाजा नजीक जामा मस्जिद आवेली छे। आ मस्जिद सुल्तान अहमद शाह पहला बंधाई थी बराबर, के अहमद शाह पहला ए हता के जे अमदावादनी स्थापना करी हती, एज अहमद शाहे अमदावादमां जामा मस्जिदनी रचना एटले के स्थापना करी हती। ईस्वीसन 1424 जेमां आ जामा मस्जिदमां 260 स्तंभों पर 15 गुंबजोनी रचना करवामां आवी छे। बारीक कोतरणीवाड़ी सीधी सैयदनी जाड़ी मस्जिद, सरखेजनो रोजो, झूलता मीनारा, राणी सिपरीनी मस्जिद के जे नगी मस्जिद नगीना नामे ओळखाय छे। आ उपरांत जामी मस्जिद जे चांपानेरमां आवेली छे, आ बधी मस्जिदनुं निर्माण छे ए गुजरातनी स्थापत्य कलामां समावेश करवामां आवे छे। पछी वात करीए आपणे जैन दरासरो एटले के जैन मंदिरो, हठीसीनना जैन दरासरो कुंभारियाजी, संखेश्वर, सिद्धगिरी, सेंतुजयगिरी, पालीताणा आ वगैरे शिल्प स्थापत्य अने कोतरणीनी दृष्टिए दाद मांगी ले तेवा छे। कारण के ए बधा जे जैन मंदिरो छे एक विशेषता ए स्थापत्य कलामां धरावे छे। आगळ वात करीए के गुजरातनी वाव, के जे आपणे जाणी शकीए छीए गुजरातमां विविध ए वाव आवेली छे, के अडालजनी वाव, दादा हरिनी वाव। अडालजनी वाव छे ए क्यां आवेली छे? गांधीनगरमां। क्यां आवेली छे? अडालजनी वाव, दादा हरिनी वाव जे अमदावादमां आवेली छे, राणकी वाव जे पाटणમાં આવેલી છે, હીરા ભૂગોળની વાવ જે ડભોઈમાં આવેલી છે। આ જે વાવો છે એ સુંદર રીતે એ સર્જન થયેલી વાવો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત સ્થાપત્ય કલામાં ભદ્રનો કિલ્લો, દરવાજો, નગીનાવાળી, કાંકરિયા તળાવ, આ કાંકરિયા તળાવ વચ્ચે આવેલી જે બગીચો છે એને આપણે નગીનાવાળી તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ, રુદ્રમાલય, શસ્ત્રીલિંગ તળાવ, શામળાજીની ચોરી, તાનારીરી સમાધિ, કીર્તિ તોરણ, મુનસર તળાવ, મલ્લાવ તળાવ આ વગેરે સ્થાપત્ય કલાના ઉત્તમ નમૂના તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ। આપણે જાણી શકીએ છીએ કે રુદ્રમાલય છે એ સિદ્ધપુરમાં આવેલું છે, શસ્ત્રીલિંગ તળાવ છે પાટણમાં છે, એ જ રીતે આપણે કીર્તિ તોરણ છે વડનગરમાં છે, મુનસર તળાવ છે વિરમગામમાં છે, મલાવ તળાવ છે ધોળકામાં આવેલું છે,
आ बदा स्थापत्य कलाना गुजरातनी स्थापत्य कलाना विशिष्ट नमूना तरीके आपणे ने जाणी शकीए छीए। तो आ चित्र में जोई शकीए छीए आपणे के आ चित्र छे अडालजनी वावनो समावेश करवामां आव्यो छे। आगळ वात करीए तो मंदिर मस्जिद स्थापत्य रेखाचित्र के मंदिर स्थापत्य रेखाचित्र में कई कई बाबतों समावेश करवामां आवे छे तेना विशे आप आज एम बात करे। तो सौ प्रथम आप बात करिए तो यहाँ गलियारा जे गलियारा में आप जाए कि मंदिर अंदर आवा जवा रस्त होने अपने गलियारा तरीके ओळखी शकीए छे। पछी छे किबला जे स्थापत्यनो आ भाग मस्जिद अथवा नमाज पढ़वाना हॉलनो दीवाल छे जे हमेशा मक्काना कबानी मक्कानी जे कबर होय छे तेनी दिशामां बनावामां आवे छे जेने आपणे किबला तरीके ओळखी शकीए छे। पछी आवे छे लीवान। लीवान एटले के मंदिरना आ मस्जिदना स्तंभोवाळा ओरडाने आपणे लीवान कहीए छीए कि मस्जिदमां जे स्तंभोवाळा ओरडा होय छे जेने आपणे लीवान तरीके ओळखी शकीए छीए। त्यारबाद छे मक्सूरा जे मस्जिदना किबला एटले के दीवालना अंत भागमां मक्सूरा कहीए छीए। रेलिंग द्वारा आ भागने अलग करवामां आवतुं होय छे। त्यारबाद छे मेहराब। मेहराब अने किबलामां बनेल भाग कहे छे के मेहराब किबलामां बनेल भाग कहे छे ते मोटे भागे एक सामान्य मानवीनी ऊंचाई जेटलो होय छे ते मक्का तरफनी साची दिशा बतावे छे। अने छेले छे सहन के जे स्थापत्यना आ भाग मस्जिदनुं प्रांगण कहेवाय छे जेमां इस्लाम धर्मना अनुयायीओए नमाज माटे एकत्रित थाय छे। त्यां नमाज माटे इस्लाम धर्मना जे धर्मप्रेमीओ होय छे ते नमाज माटे त्यां भेगा थता होय छे क्यां सहनमां। तो मित्रों अहीं आपणे आपणो जे पाठ छे त्रीजो के जे भारतनी सांस्कृतिक वारसामां शिल्प अने स्थापत्यने अहीं आपणे पूर्ण करीए छीए। तो हवे तमने स्वादे लखवानुं छे तो स्वादे तमे तमारी नोटबुक में लखशो ज्यारे शाळा खुलशे त्यारे आपणे तमारी नोटबुक चेक करशुं। तो हमणा तमे तमारी जे चोपड़ी छे तेमां जे प्रश्नों छे टीक करेलो हूँ आधी प्रश्न बोलूँ छूँ तमे टीक करी अने ए प्रश्नों छे स्वादे छे तमने घरेथी लखवानुं रहेशे। तो स्वादेमां प्रश्न एक छे के नीचेना प्रश्नोना सविस्तर उत्तर आपो। आ सविस्तरमां आपणे टीक करवानुं छे। प्रश्न बीजो त्रीजो अने चौथो। त्यारबाद प्रश्न बेमा मुदासर जवाब में लखशुं टीक करजो। प्रश्न एक त्रण अने चार अने प्रश्न त्रण में टूंक जवाब में टीक करजो। प्रश्न एक बे अने चार अने जे विकल्पवारा छे ए तमाम प्रश्नों छे ए लखवाना रहेशे। तो मित्रों अहीं आपणे पाठ पूरो करीए छीए। तो तमे हवे आपणे भाग जे नवो प्रकरण चालू थशे एनो आपणे नवो भाग रजू करशुं। आभार।